goal nations leading institute hello students today we are going to discuss the question of inorganic chemistry of the examination spot test number 10 for the nit 2024 which was held on 28 march 2024 we will discuss the inorganic question of this examination question number first 108 का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ ए ग्रुप फिफ्टी एलिमेंट इज थ्री एस टू थ्री पी थ्री थर्ड पीरियड का एलिमेंट है थ्री एस टू थ्री पी थ्री है इसका मतलब क्या फॉस्फोरस है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक फोर्थ पीरियड एंड प्लेस डायगोनली टू एलिमेंट ऑफ फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के डायगोनल ए भी हो सकता है एक यहां पे एलिमेंट एक्स मान लो और फॉस्फोरस के डायगोनल ए भी हो सकता है एक एलिमेंट वाई मान लो तो फॉस्फोरस के डायगोनल मतलब नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए इसका मतलब क्या ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ये होना चाहिए और इसके पहले वाला कार्बन फैमिली तो कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम होना चाहिए तो एक जर्मेनियम और एक सेलेनियम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा आर्गन फोर एस टू वन और इसका हो जाएगा आर्गन फोर एस टू फोर तो डायगोनली जो दो एलिमेंट होंगे एक जर्मेनियम हो सकता, हो सकता। एक है और सेलेनियम हो सकता है ये दोनों फॉस्फोरस के डायगोनली प्रेजेंट हैं और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं दोनों तो पूछ रहा है कि ये दोनों एलिमेंट क्या क्या होंगे तो एक एलिमेंट ए भी हो सकता है एक एलिमेंट ए भी हो सकता है देखते हैं ऑप्शन क्या देता है

फॉस्फोरस के नीचे आर्सनिक वाला है ये हैर्सनिक तो है ये डायगोनल तो है नहीं इसलिए नहीं होगा ये गलत है आर्गन थ्री डी टेन फोर एस टू फोर पी फोर ये सही है बिल्कुल ये सही है, सेलेनियम सही है तो इसलिए आंसर चला जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन वन एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है सेकेंड नहीं है सेकेंड आर्सनिक है जो कि फॉस्फोरस के डायगोनली प्रेजेंट नहीं है इसलिए सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन नेक्स्ट चला जाए अगला क्वेश्चन पे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109। द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन एन माइनस टू एफ सेवन एन माइनस वन डी वन एन एस टू बिलोंग्स टू विच ब्लॉक

तो देखिए अगर इसमें नो जैसे ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है किसका लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम तो ये नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में लिखा है अब वन एस टू टू एस टू टू पे सिक्स थ्री एस टू थ्री ऐसे नहीं लिखा है वो नोबेल गैस को एक रेफरेंस मान लिया आर्गन अट्ठारह उसके रिस्पेक्ट में इसका भी नोबेल गैस नोबेल गैस तो इसको बोलते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोबेल गैस तो नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में एक

इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन लिखिए तो जिंक थर्टी एटॉमिक नंबर थर्टी होता है इसका पीरियड पहले पता करना पड़ेगा आपको तो पीरियड कौन सा पीरियड का एलिमेंट है यह तो पीरियड नंबर इसका फोर्थ होता है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पहले वाले का नोबल गैस हीलियम नियोन आर्गन क्रेप्टॉन जेनॉन रेडॉन और इसके बाद भी होता है ऑग्नेशन फर्स्ट पीरियड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवंथ तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट मैंने क्या बताया कि जिस पीरियड का एलिमेंट है उसके पहले वाले का नोबेल गैस तो थर्ड पीरियड है इसका नोबेल गैस लिख दिया आर्गन और इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए अठारह एटीन होता है इसका उसके बाद कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखते समय इस बात को ध्यान देना है कि एनएस से शुरू होता है और एनपी पे खत्म हो जाता है एन ए से शुरू होकर एनपी पे खत्म होता है और बीच में एन माइनस वन डी होता है एन माइनस टू एफ होता है इस तरह से एन माइनस थ्री जी हो जाएगा एन माइनस फोर एच हो जाएगा इस तरह से आगे मूव करता है हम लोगों तो एफ तक ही पढ़ना है इस तरह से हम लोग बात करेंगे एन ए से शुरू होगा एनपी पे खत्म हो जाएगा जैसे किस पीरियड का एलिमेंट है फोर्थ तो इसका हम क्या लिखेंगे आर्गन एटीन फोर ए से शुरू करना है फोरपी पे खत्म कर देना है एन माइनस वन मतलब थ्री डी एन माइनस टू टू एफ टू एफ तो संभव है नहीं एफ स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ फोर्थ शेल शेल में पॉसिबल नहीं से टू एफ हम लोग नहीं लिखेंगे अब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग एन प्लस एल रूल दैट इज द बाहु रूल अब बाहु प्रिंसिपल के तहत हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे एन प्लस एल रूल के तहत एन प्लस एल रूल क्या बोलता है जिसका एन प्लस एल वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा तो इसका एन प्लस एल चार दो पांच इसका चार और एक पांच तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा तो दो इसमें डाल अब दोनों का पांच पास एन प्लस एल है तो एन प्लस एल जब सेम आता है तो जिसका एन का वैल्यू कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है जिसमें एन का वैल्यू ज्यादा होता है उसमें बाद में जाता है इलेक्ट्रॉन तो पहले किसमें जाएगा इसमें जाएगा तो अठारह और दो बीस तीस है तो दस इसमें चला जाएगा पी में जीरो होगा अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है डी में जा रहा है इसलिए दिस इस एलिमेंट बिलोंग्स टू तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे पता करते हैं और कुछ हमारे एलिमेंट का एक्सेप्शन होते हैं एक्सेप्शन जैसे कॉपर क्रोमियम टंगस्टन ये सब हमारे एक्सेप्शन वाले हैं प्लेटिनम हो गया गोल्ड हो गया सब एक्सेप्शन लेंथनम हो गया एक्टिनियम हो गया बहुत सारे एक्सेप्शन वाले हैं वो एक्सेप्शन में चले जाएंगे हमारे और नहीं तो बाकी सब ऐसे ही फॉलो करते हैं ऐसे ही भरेंगे हम लोग इसमें देखा जाए इस वाले क्वेश्चन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन क्या लिखा है एन एस टू क्या बोले एन एन से शुरू करना np पे खत्म करना है एन माइनस वन डी एन माइनस टू एफ ठीक है ns2 टू एन डी वन एन एफ सेवन एनपी जीरो है तो भाई तरह अगर एक, एक केस हम लोग लेकर चले सिक्स एस टू आ जाए सिक्स पी पे खत्म होगा तो यहां पे फाइव डी होगा यहां पे फोर एफ होगा एन प्लस ए रूल चेक कर लेते हैं एन प्लस ए रूल इसका सिक्स इसका सेवन इसका भी सेवन और इसका भी सेवन तो पहले पहले तो इलेक्ट्रॉन सिक्स में चला जाएगा सही है उसके बाद किस में जाएगा फोर एफ में फाइव डी में पहले इलेक्ट्रॉन फोर एफ में जाएगा कि फाइव डी में जाएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फोर एफ में क्यों क्योंकि इसका एन का वैल्यू कम है तो ए इसमें जाएगा उसके बाद किस में जाएगा डी में जाएगा उसके बाद किस में जाएगा डी में, में, में जाएगा लेकिन फोर एफ पूरा फोर्टीन फुलफिल्ड होना चाहिए फोर एफ क्या होना चाहिए फुलफिल्ड होना चाहिए उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन सिक्स में देन 4F में, देन 5D में, देन 6P में 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 इसमें क्या है एन एस टू ठीक है एन माइनस टू एफ सेवन है और एन माइनस वन डी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी तो में जा रहा है बाबू दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू तो, एन इलेक्ट्रॉनिकेशन विच फॉलो द एक्सेप्शन रूल एन प्लस एल का एक्सेप्शन रूल फॉलो करता है क्यों क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट होगा लेकिन यहां पर तो एफ सेवन ही है तो एफ सेवन है इसका मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन टू लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड गोज इन टू एफ लेकिन इसलिए एक्सेप्शन की वजह से किसमें चला जाएगा एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए ब्लॉक एलिमेंट व्हाई क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक का है एक्सेप्शन के तहत फोर एफ होना चाहिए था एन माइनस टू एफ एट एन माइनस वन डी जीरो एन टू लेकिन एक्सेप्शन है हाफ फिल मोर स्टेबल होता है इसलिए एन एफ बन गया एन माइनस वन डी बन गया तो इसलिए एलिमेंट किस 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 ब्लॉक का है एफ ब्लॉक का तो इसलिए वन हंड्रेड नाइन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ये थोड़ा सा बहुत अच्छा चीज होता है क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का पूछने का चांस रहता है इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रेशन विद रिस्पेक्ट टू नोबेल गैस तो इसको लिखने का तरीका होता है कि नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में तो हम लोग कैसे लिखेंगे ठीक है इसमें एक्सेप्शन भी याद रखिएगा लास्ट टू लास्ट ईयर गैंडोलियम जीडी का पूछा था इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रेशन जो कि एक्सेप्शन में भी है नेक्स्ट रह अगला क्वेश्चन 112. The ionic radii of F- and O2 are 100, and F- O2- 100, 1.33 1.40 का कितना है 1.33 और O2- कितना है 1.40 सही है, दोनों है, चार्ज नेगेटिव ज्यादा इसलिए इसका साइज बड़ा होगा कोवलेंट रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का चलिए ठीक है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयोनिक रेडिया माइनस एन थ्री माइनस एन थ्री माइनस बड़ा होगा क्योंकि देखो एनथ्री माइनस अगर यहां पर रखेंगे तो सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जेड घटेगा एटॉमिक नंबर की वैल्यू घटेगी एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है आयोनिक रेडियाई बढ़ता है या फिर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी गेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो भी उसमें बात कर सकते हैं कि रेडियाई बढ़ेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो साइज छोटा होगा तो सबसे बड़ा कौन होगा ए वाला तो ये इससे बड़ा होना चाहिए से कुछ बड़ा होगा ये से भी बड़ा होगा देखा जाए इट इज ए स्मॉलर देन एफ माइनस एंड नाइट्रोजन ना गलत है दोनों से बड़ा होगा इट इज बिगर देन एफ माइनस एंड नाइट्रोजन बट स्मॉलर देन ओ टू माइनस ना ये तो सही था लेकिन ये गलत हो गया ओ टू माइनस से भी बड़ा होगा वो हो. बिल्कुल सही। सही ये है। है? ना minus से ही बड़ा होगा। तो क्या पूछ रहा करेक्ट स्टेटमेंट करेड ट्वेल्व का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट वन हंड्रेड एटीन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक सौ अट्ठारह द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपल मोमेंट फॉर एन एच थ्री एनसीएल थ्री एन एफ थ्री विल भी ठीक है देखा जाए इधर खींचेगा इधर खींचेगा इधर खींचेगा ए भी इधर खींचेगा तो इसका डायपल मोमेंट इधर और इसका भी डायपल मोमेंट नेट इधर हो जाएगा तो दोनों मिलकर डायपल मोमेंट को बढ़ा देगा एन एफ थ्री एन एफ 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 और एक लोन पेयर इसका इधर ए इधर खींचेगा इधर खींचेगा इधर खींचेगा तो इसका नेट डायपोल मोमेंट इधर हो जाएगा तो एक ऊपर खींचेगा और एक नीचे खींचेगा तो नेट डायपोल मोमेंट इससे थोड़ा कम हो जाएगा एनसीएल थ्री एन सी एल सी एल सी एल ए भी इधर खींचेगा ये भी इधर खींचेगा ये भी इधर खींचेगा ये भी इधर खींचेगा तो ये भी बढ़ाएगा तो सबसे कम तो एन एफ थ्री का होगा ये बात पक्की है अब एनएस थ्री और एन एफ थ्री में सेम डायरेक्शन में दोनों है दोनों मी वन मी टू दोनों सेम डायरेक्शन में है

फ्री ही देता है लेकिन दोनों में प्रैक्टिकली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है इसलिए इसमें डिफरेंस कम है इसमें डिफरेंस ज्यादा है जब डिफरेंस ज्यादा होगा होगा तो इज इक्वल टू टू इन होता है q क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसमें क्यू कम हो जाएगा तो सबसे ज्यादा एनएस थ्री का हो जाएगा उसके बाद एनसीएल थ्री का होगा उसके बाद एनएफ थ्री का होगा इसलिए सही ऑर्डर एनएस थ्री एनसीएल थ्री और एन एफ थ्री होना चाहिए वन हंड्रेड एटीन का सही ऑप्शन होगा सेकंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग वन हंड्रेड ट्वेंटी वन विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर सोलिबिलिटी इन वाटर ठीक है एन ए एंड जेडेनिस एन ए एंड जेडेनिस देखिए अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो वलिन कैरेक्टर बढ़ेगा जब कोवलिन कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर घटेगा और आयोनिक कैरेक्टर घटेगा तो सोलिबिलिटी इन वाटर क्या होगा डिक्रीज करेगा ठीक है तो एन में सब में सब एनायन तो सब में सेम है केटायन में सोडियम प्लस है कॉपर प्लस टू है और जेडन प्लस टू है डी ब्लॉक वाले का एक तो चार्ज भी कम है और डी ब्लॉक वाले का पोलराइजिंग पावर एस और पी ब्लॉक वाले के से ज्यादा होता है तो पोलराइजिंग पावर का अगर हम लोग बात करें तो पोलराइजिंग पावर में एन ए प्लस का सबसे कम हो जाएगा सी यू प्लस टू एन जेड एम प्लस टू दोनों पे चार्ज सेम है इसके पास डी नाइन है इसके पास डी टेन है तो डी नाइन और डी टेन में डी नाइन वाले का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है और जेड एम प्लस टू का कम है जेड एन प्लस टू और सबसे ज्यादा हो जाएगा कॉपर प्लस टू का तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये होगा तो कोवलेंट पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवलेंट, भी बढ़ेगा, और कोवलेंट बढ़ेगा तो, तो सोलिब्रिटी भी क्या होगा तो सबसे ज्यादा सोलिब्रिटी किसका हो जाएगा इन टू एस का क्योंकि उसमें आयोनिक और सबसे कम सीयूएस का तो एक गलत ऑर्डर है सीयूएस का दिया है जेड एन एस का कम दिया गलत है ज्यादा होगा सीयूएस का कम हो जाएगा ठीक है एल आईओ एन एच आरबीओएच एंड के ओ एच देखो ऐसे तो सोलिब्रिटी डाउन द ग्रुप लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ए आयोनिक बॉन्ड जब हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे तो देखिएगा उसमें सोलिब्रिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड में जनरली अगर दो फैक्टर मेजर डिपेंड करते हैं एक होता है लेटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक जो हम लोग बात कर रहे थेक्टर लेटेस्ट एनर्जी कम होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा तो इस बेसिस पर कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग तो कंक्लूजन ये निकाल के देता है कि सोलिबिलिटी ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप लेकिन फर्स्ट ए और सेकेंड ए में फर्स्ट ए में सॉलिबिलिटी बढ़ता किस में है बढ़ने वाला में कौन कौन सा है फ्लोराइड है ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट है सल्फेट है और सल्फाइट है ए फर्स्ट और सेकेंड में किस में किस में बढ़ता है फ्लोराइड है ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड है एंड ऑक्सलेटो है ये ये बढ़ने वाला में और ये फर्स्ट में बढ़ने वाला में इसमें बढ़ते हैं सोलिबिलिटी लेकिन सेकेंड में एक और चीज है कि बेरेलियम सॉल्ट की सोलिबिलिटी मैक्सिमम होती है बेरेलियम सॉल्ट आर मैक्सिमम सोलिबल मैक्सिमम सोलिबल लेकिन किसको किसको छोड़कर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को छोड़कर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को छोड़कर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सब में सबोराइड एंड ऑक्सिलेटो में बेरियम सोल्ड की सोलिबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए मैक्सिमम होती है ऐसे डाउन द रूप क्या होगा बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो बेरिलियम तो, सबसे ज्यादा सोलिबल होना चाहिए लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा मैग्नीशियम सबसे कम सोलिबल होगा लेकिन बेरिलियम सबसे ज्यादा सोलिबल हो जाएगा फ्लोराइड एंड ऑक्जेलेटो में ठीक है चलिए देखा जा। इसी जाप्ट के तहत लिथियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ग्रुप है तो बढ़ने वाला है तो बिल्कुल सही है लिथियम ज्यादा सोडियम का रुबेडियम का लेकिन यह गलत हो गया पोटेशियम पहले आ जाए था रुबेडियम बाद में जाना चाहिए था ये गलत हो गया सिर्फ इसकी वजह से गलत हो रहा है बेरेलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम और स्टोन समय सही है क्योंकि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की सोलिबिटी डाउन डाउन द ग्रुप बढ़ेगी ये बात सही है डाउन द ग्रुप सोलिबिटी क्या होगी बढ़ेगी और बेरिलियम सोल्ट की सोलिबिलिटी कम भी होगी ये भी बात सही है नहीं तो बाकी अगर फ्लोराइड रहता या याटर रहता तो इसकी सबसे आगे हो जाती लेकिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड में सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है इन द सेकेंड ए ग्रुप है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ना यह गलत है सीएसएफ सी एस सी एल सी एस इसका उल्टा ऑर्डर लिखा गया है ठीक है तो भी नहीं है तो करेक्ट ऑर्डर सोलिब्रिटी का थर्ड तो इसलिए 121 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है फॉलोइंग करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग बाउंड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ओ माइनस ओ माइनस बताए थे आप लोग को बॉउंड ऑर्डर निकालने के लिए एक तो सब में कर देंगे और ये रेजोनेंस कर रहा है जहां पे रेजोनेंस हो ना तो उसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग <coughs> दो पाई बॉन्ड चार जगह घूम रहा है तो एक जगह कंट्रीब्यूशन कितना दो बटे चार या फिर इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अपॉन पाई दो सिग्मा चार वन बाई टू वन पॉइंट फाइव पहले ही बता चुके हैं तो इसका बॉन्डन पॉइंट फाइव हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ माइनस वन प्लस एक पाई बॉन्ड तीन जगह तो वन बाई थ्री तो वन पॉइंट थ्री थ्री इसका हो जाएगा थ्री माइनस पी डबल बाउंड हो ओ माइनस वन प्लस एक वन बाई फोर तो वन पॉइंट टू फाइव हो जाएगा और सीओ टू तो सी डबल बाउंड हो डबल बाउंड हो इसका बाउंड ऑर्डर एग्जैक्टली टू हो जाएगा तो क्या पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सीओ टू का क्योंकि इसका टू बाउंड ऑर्डर है उसके बाद वन पॉइंट फाइव ओला एसओ फोर टू माइनस का हो जाएगा उसके बाद 1.33 कार्बोनेट का होगा और सबसे कम फॉस्फेट का होगा देख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही सही ऑप्शन है कौन सा है सीओ टू एसओ फोर सी थ्री पीओ फोर सेकेंड ऑप्शन यही सही है तो इसलिए 124 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 129 द पेयर ऑफ मेटल आयंस दैट कैन हैव थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स एम एस टू ओ होल सेक्स एल टू मेटल के उपचार प्लस टू है एस टू ओ लीगेंड है जो कि डब्ल्यू एफ एल है कोबाल प्लस टू कोई पेयरिंग नहीं होगा कोबाल प्लस टू में फोर एस जीरो थ्री डी सेवन और थ्री डी सेवन में जब कोई पेयरिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन होगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन सही है एफी प्लस टू फोर एस जीरो थ्री डी सिक्स कोई पेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि चार हो तो होगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चार हो जाएगा तो दोनों में तीन तीन अनपेड है नहीं संभव इसमें तो तीन है लेकिन इसमें कितना है चार इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है गलत हो गया क्रोमियम प्लस टू क्रोमियम प्लस टू में फोर एस जीरो and 3d 4 chromium क्रोमियम प्लस टू में 4s0 एस जीरो ठीक है तो 4s0 एस जीरो इसमें चार अनपेड इलेक्ट्रॉन गलत हो गया mn एन प्लस टू में 4s0 एस जीरो इसमें पांच अनपेड ये भी गलत हो गया वेनेडियम प्लस टू वेनेडियम प्लस टू फोर थ्री कोई पेयरिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बिल्कुल सही है और कोबाल्ट प्लस टू तो इसे पहले देख चुके हैं इसमें भी थ्री तो यही सही है दोनों में इसमें भी थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन ये सही है वेनेडियम प्लस टू में तीन है लेकिन आयरन प्लस टू में चार है आयरन प्लस टू में थ्री सिक्स होता है चार है तो यही नहीं ये यह भी नहीं होगा इसलिए दोनों के पास दोनों मेटल के पास तीन अनपेयर्ड है इस कॉम्प्लेक्स में वो कौन ऑप्शन होगा वेनेडियम प्लस टू एंड कोबाल प्लस टू इसलिए वन ट्वेंटी नाइन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते वन थर्टी द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्राइ कोबाल्ट कोबाल्टेट थ्री ट्राई ऑक्लेटो ट्राई कोबाल्ट चार्ज कितना आ जाएगा इस पर प्लस थ्री है इसमें माइनस टू तो सिक्स हो जाएगा पूरे पे चार्ज माइनस थ्री आ जाएगा तो कोबाल्ट प्लस थ्री है फोर एस जीरो, थ्री डी सिक्स और ऑक्जिलेटो सी टू ओ फोर है ऑक्सीजन डोनर है कोबाल्ट प्लस थ्री के लिए ऑक्सीजन डोनर एक्ट एस स्ट्रॉफी ऐसे तो ऑक्सीजन डोनर कैसे होते, है? वीक होते हैं लेकिन इसलिए इसका ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड तो पेयरिंग करवाएगा थ्री डी सिक्स है कॉम्प्लेक्स है, दो डी खाली चाहिए तो, खाली हो गया, तो, इसका तो complex, हो और इसका नेचर कैसा हो जाएगा डायमेग्नेटिक डी टू एसपी थ्री विद डायनेटिक प्रोपर्टी सेकेंड ऑप्शन डी टू पी थ्री इनोर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इसलिए 130 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड डी टू एस पी थ्री हाइबिडाइजेशन एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 थर्टी थ्री द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इन ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थ्री ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थ्री तो इसपे प्लस थ्री इस पे जीरो इस पे माइनस थ्री पूरे पे चार जीरो यही कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कोबाल्ट थ्री के लिए एनएस थ्री एनएस थ्री एनएस थ्री एनओ टू एनओ टू एनओ टू और एक और बनेगा कोबाल्ट प्लस थ्री के लिए एन एस थ्री एन एस थ्री एन एच थ्री एनओ टू एनओ टू एनओ टू इसको बोलते हैं सिस आइसोमर या इसको बोलते हैं फेसियल फेक क्योंकि इट इट यूज टू बी ए फेस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल और इसको बोलते हैं ट्रांस या इसका नाम होता है मेरिडोनियल या मर आइसोमर तो इसका दो ही आइसोमर पॉसिबल है सिस और ट्रांस या फेक और मर फेसियल और मेरिडोनियल तो इसका दो आइसोमर पॉसिबल है दो जीमेट्रिकल आइसोमर इज एक्स ठीक है एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी in Cr C2 O4 whole thrice 3 minus. Chromium plus two. तो देखो अगर तीन bidentate ligand है ना तीन symmetrical या unsymmetrical तो उसका GI possible नहीं है उसका एक ही structure ही बनेगा इसके अलावा दूसरा structure नहीं बनेगा Cr बस एक ही structure संभव है O O oxalate O O oxalate O O oxalate बस यही इसका structure possible है इसके अलावा दूसरा इसका स्ट्रक्चर संभव ही नहीं है तो इसीलिए इसका जीआई पॉसिबल नहीं है हाँ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव है इसका दूसरा मिरर इमेज जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑप्टिकली एक्टिव इसका दो बनेगा लेकिन इसका जीआई दूसरा संभव नहीं है और जब तक इसका दूसरा और... मतलब किसी ग्रुप को चेंज करने के बाद लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं करेगा रिलेटिव पोजिशन चेंज नहीं करेगा लिगेंड का तो हम लोग जीआई आई का बात नहीं कर सकते तो जी आई हम लोग बात नहीं कर वो तो उसका मिरर इमेज है

134, फोर वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द कॉम्प्लेक्स एफ ई सीओ सिक्स एफ सीओ का होल 6 सी एल एग्जिस्ट देखो एग्जिस्ट करने के लिए यहां पे आयरन के ऊपर चार्ज प्लस टू में भी एग्जिस्ट करेगा प्लस थ्री में भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन अगर ए बोल दे इसमें ऐसे इसमें एक और लाइन जोड़ना चाहिए कि एग्जिस्ट करने के साथ साथ ई को फॉलो करे एन शुड फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल शुड फॉलो तब तो इसमें कुछ बात कर सकते हैं हम लोग ऐसे प्लस टू और प्लस थ्री दोनों में एक्जिस्ट करता है। प्लस टू प्लस थ्री दोनों में एक्जिस्ट करेगा। क्योंकि e के बारे में, अगर प्लस टू में भी सिक्स बनाता है प्लस थ्री में सिक्स बनाता है दोनों बनाता है तो इसलिए यहां पर एक्स की वैल्यू टू भी हो सकती है थ्री भी हो सकती है दोनों में से कोई भी हो सकती है लेकिन अब बोले कि ई e एन को फॉलो करवाना है तो ई e एन को फॉलो करवाने के लिए एसी के ऊपर चार्ज प्लस टू होना चाहिए क्यों क्योंकि क्यों? क्यों प्लस हो तो टू होगा इन्तू 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 तो आयरन का एटोमिक्वेंटी और थर्टी फाइव हो जाएगा जो कि फॉलो नहीं करेगा तो प्लस टू एंड प्लस थ्री दो ही संभव है लेकिन ई को फॉलो करेगा तो इसमें प्लस टू चार्ज होना चाहिए जब प्लस टू चार्ज होगा तो सीएल के ऊपर वैल्यू कितना होना चाहिए एक्स की दो जो कि इसके आयरन के ऊपर प्लस टू चार्ज डेवलप करेगा तो ई को फॉलो करवाने के लिए टू होगा

इसका इलेक्ट्रॉनिक जेनॉन तो 6P 5D, तो 2, तो से शुरू करेंगे करेंगे पे खत्म पहले इलेक्ट्रॉन और 4F 14 हो जाएगा प्लस A0, टू A0, है तो इसलिए यहां भी जीरो हो जाएगा ये फोर एफ फोर्टीन पूरा के पूरे पेयर्ड है इसलिए डायमेनेटिक एलिमेंट होगा या तो वन थर्टी एट का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज दिबियम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन द ऑक्टाहायन प्लस विथ थ्री मोनोडेंटेट लीगेंट्स एल वन एल टू एंड एल थ्री एबजॉर्व वेवलेंस इन द रीजन ऑफ रेड येलो एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ द थ्री लीगेंट्स आर ठीक है कॉम्प्लेक्स है स्प्लिट करेगा टू जी एन इजी सेट में इसको यहां से यहां तक जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, बोलते है क्रिस्टल हम लोग तो इसके लिए मुझे एक एनर्जी देना पड़ेगा एच न्यू जो कि मान लेते हैं कि विजिबल रीजन में है अब स्प्लिटिंग जितना ज्यादा होगा इसको यहां से यहां भेजने के लिए एनर्जी उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा जब एनर्जी ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगा तो म्यू ज्यादा होगा म्यू ज्यादा होगा, तो होगा कम होगा और डेल्टा नॉट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना ज्यादा होगा डेल्टा नॉट ज्यादा होगा और डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए वेवलेंथ कम चाहिए अब मेरे पास भी बिग है वी आई बी जी वाई ओ और आर यहां से यहां जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है एनर्जी घटता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का सबसे कम एनर्जी रेड का सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट का होता है तो एक रेड है एक है, और एक ब्लू है तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ऑब्जर्व करेगा ब्लू वाला उसके बाद येलो वाला सबसे कम रेड वाला तो लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब कि सबसे लिगेंड कौन सा होगा सबसे देन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा एल थ्री एल टू और सबसे कम एलवन L1. क्योंकि L1 क्या रेड उसके बाद yellow, उसके बाद ब्लू करता है एलेवन रेड इसका मतलब कि उसका सबसे ज्यादा है एनर्जी सबसे कम है तो लिगेंड का स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगा तो सबसे कम लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा एलेवन का फिर एल टू का फिर एल थ्री का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एल थ्री का होगा फिर एल टू का होगा फिर एल वन का होगा तो इसलिए वन फोर्टी वन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे वन फोर्टी फोर is passed through an ammonical salt solution, H2S सोल्ट सोल्यूशन एस टू ये ग्रुप है कौन सा ग्रुप रिएजेंट है फोर्थ ग्रुप का फोर्थ ग्रुप का कैटायन कौन कौन सा है फोर्थ ग्रुप का कैटायन मन को नहीं जाना मन को नहीं जाना ए सल्फ ए सल्फाइड का पीपीटी बनाते हैं एमएनएस सीओ एस एनआईएस एंड जेड एन एस ठीक है चला क्वेश्चन देखते हैं यही किसी में से एक होगा लेकिन उसका कलर बोला है कि व्हाइट होगा तो वाइट एम एन एस पिंक कलर का होता है सीओ एस और एनआईएस दोनों ब्लैक कलर का होता है और जेड एन एस व्हाइट होता है तो एक्स क्या होगा जेड एन प्लस टू का सोल्यूशन होगा NIS ब्लैक होता है सीओ एस ब्लैक होता है एम एन एस पिंक होता है जेड एन एस व्हाइट होता है इसलिए 144 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 145 सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिफ्थ ग्रुप रेडिकल फिफ्थ ग्रुप रेडिकल भारत सरकार भारत सरकार फिफ्थ ग्रुप रेडिकल है भारत सरकार भारत सरकार ये फिफ्थ ग्रुप रेडिकल में आते हैं तो सोडियम कार्बोनेट इसमें अमोनियम कार्बोनेट ही यूज कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट

Na ए प्लस विल रिएक्ट विथ एसिडी टेटिकल इसमें magnesium कार्बोनेट होता है एक सोल्ट एनालिसिस का पार्ट है और सॉल्ट एनालिसिस आपके सिलेबस में जब तो पहली बार ऐड किया है इसलिए उसको थोड़ा एक बार रीड जरूर कीजिएगा हो सकता है एक आध क्वेश्चन पूछ दे उसमें से और पूछने का चांस ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट बार नीट में इसको एड किया है सोल्ट एनालिसिस को तो सोडियम हम लोग इसमें अमोनियम कार्बोनेट को यूज करते हैं फोर्थ ग्रुप फिफ्थ ग्रुप रियजेंट के तौर पर सोडियम कार्बोनेट नहीं डालते क्योंकि उसमें एमजी का पीपीटी बनने का चांस होता है तो इसलिए 145 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 148। फोर्टी एट द सक्सेनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट ए आर आई वन आई टू ठीक है इफ आई वन एंड आई थ्री आर ठीक है आई वन है 27 सेवन जूल पर मोल और आई थ्री है 51 वन जूल पर मोल Then, the value of I2, I2 दोनों of इन दोनों के बीच में होगा ट्वेंटी सेवन और फिफ्टी वन के बीच में होगा कम है भी भी नहीं नहीं संभव है. 59, नहीं संभव है 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 से ज्यादा इन दोनों के बीच में है, तो यही होगा तो इसलिए 148 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ थर्टी थ्री किलोजुल पर मोल नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन नंबर 150 मैच द कंपाउंड गिवेन इन कॉलम वन विथ टाइप ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है बीईओ बीईओ एम्फोटेरिक है जनाबे अली भी बेकार गया बेकार गया अब गाय पंजाबी सॉन्ग जनाबे अली भी बेकार बेकार, बेकार, बेकार. बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा इन टू ओ न्यूट्रल है फर्स्ट हो जाएगा इनटू और न्यूट्रल है Mn2O7 एसिडिक है ए फर्स्ट एसिडिक सेकंड होगा एसिडिक होगा ए न्यूट्रल होगा और बिस्मथ का ऑक्साइड इंडियम और बिस्मथ का ऑक्साइड एसिडिक होते बेसिक होते हैं बिस्मथ एक मेटल है इसलिए इसका नेचर बेसिक होता है अब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए बेसिक होगा यह तो इसका थर्ड हो जाएगा देख लीजिए a का फोर्थ ए का फोर्थ बी का फर्स्ट सी का सेकंड और डी का थर्ड इस सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है आपको ए का फोर्थ बी का फर्स्ट सी का सेकंड, डी का थर्ड इसलिए 150 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एग्जामिनेशन थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच